واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي रजीम। आज का हमारा प्रोग्राम नूर की हकीकत और उसके मुताबिक लोगों के अकायद और उनका उनकी जो है जितने भी सवाल हैं उनके आज हम जवाब लेंगे और हमारे साथ हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौलाना कासिम साहब हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम रहनुमाई लेंगे इनशाला कोशिश यही रहेगी कि जो सवाल नूर के मुतालिक इस्माइली जमात हमसे करती है हम उन्हीं को एड्रेस करें और आज उन तमाम अकायद को जो मिक्स फीलिंग्स रखते हैं हमारे दिलों में जज्बात में जिसके बारे में हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं आज इनशा उन सब पर से पर्दा हटेगा हमें रहनुमाई चाहिए हमारे कराम की और अल्लाह की रहमत है कि हमारे साथ मौलाना कासिम हमारे बीच मौजूद है असल मौलाना कासिम साहब मौलाना कासिम साहब एक छोटा सा बयान मुझे पहले नूर के हवाले से कि नूर है क्या कुरान में कहाँ कहाँ इसका जिक्र है बल्कि जिक्र जहाँ पर है इनशाला में वो कुरान की आया स्क्रीन पे आपकी डिस्टोशन आ रही है, पीछे आवाज में, कासिम, कासिम है मुझे आपको म्यूट करना पड़ा है इसको देख जी, आ, जी, मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करती हूँ जब तक आप ये जरा इसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए नूर के मुतालिक कुछ सवाल जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं जो कि हमेशा हमें हर दौर में हर वक्त इस्माइली हजरत जिनका हवाला देते हैं और उस हवाले से वो हमसे अपने इमाम को साबित करते हैं इमाम के राइट्स को उनकी अथॉरिटी को साबित करते हैं कि इमाम के अंदर अल्लाह का नूर है इसलिए ये कर सकते हैं इनको ये अथॉरिटी है इनके पास ये तमाम अख्तियारत हैं तो आज ये जानेंगे कि नूर जो है वो क्या मायने रखता है नूर की हकीकत क्या है क्या किसी इंसान में नूर का आ जाना पॉसिबल है अगर पॉसिबल है तो फिर कितने इख्तियार किस तरह वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है उसको अल्लाह ने कितने राइट्स दिए हैं मौलाना कासिम हमारे पास दोबारा से ज्वाइन हो गए मौलाना कासिम साहब आवाज आ रही आपको जी आ रही है। मेरी आवाज ठीक है अभी थी. आ, थोड़ा सा डिस्ट्रशन है जैसे पीछे वायर कुछ तो आपकी हो रही है लेकिन अगर आप एक जगह स्टिल हो रहे तो सही हेडफोन हटा दी। आप मेरे ख्याल में सही आएगी अब अब बेहतरीन बेहतरीन हो गई आपकी आवाज़ माशाल्लाह से आप, हुआ जी, तो यहाँ पे जी एक रिक्वेस्ट कर लूं यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हमें सुन रहे हैं उन एक ही रिक्वेस्ट है कि आज ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात ही ज्यादातर मौलाना कासिम एड्रेस करें प्लीज बिल्कुल मत हिचक चाहिए आप मुसलमान हैं इस्माइली जमात से ताल्लुक रखते हैं तो कोई मजायका नहीं है आप बिल्कुल हमें अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में या हमें ज्वाइन कर सकते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए मौलाना कासिम साहब नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मैं मुख्तसर चंद जुमले कहूंगा उसके बाद आप वो सवाल ज्यादा सामने रखे जो इसमायी ने आपसे सवाल उठाए हैं अल्लाहन और कमिश् तिनफी हा मिसबा अलमिसबाह इस आयत को मौजू स बना कर, मैं इतना रज करना चाहूँगा नूर का मतलब जो है वो हिदायत है नूर अल्लाह सुबहान की एक सिफत है और नूर का मतलब सलाहियत है और आने मजीद के लिए भी नूर अम्बिया के लिए भी नूर आम इंसानों के लिए नूर कायनत यहाँ तक के मखलूक़ात में एक एक जितने भी अल्लाह के मखलूक़ात है चाहे वो जीरो है गैर जेरू है उसमें भी अल्लाह तबारक व तै ने नूर रखा है एक सलाहियत रखी है ये इतने सारे मफहूम मतालब में कुरानी मजीद में इस्तेमाल हुए हैं कुरानी मजीद में कितने मकामात पे नूर का लफ्ज़ आया है कहाँ उससे रिसालत कहाँ वहाँ से रहनुमाई कहाँ उससे सलाहियत कहाँ उसे हिदायत मुराद है सब का अहात करना मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत सारे मकामात पर आए हैं बाकी चंद एक आयात है अल्लाह नूर समावती वाल और इस पर इन हम तफसल से बात करेंगे कि यहाँ नूर, नूर से क्या माना मुराद है और दूसरे मकाम पे जो जो सवाल उनकी तरफ से हैं आप सामने रखे तो इनशाला कोशिश मेरी ये है सवाल मेरे पास भी हैं सवाल इनशालाई जमात भी आज आपसे करेगी डायरेक्ट करेंगे और हम इसमें चाहेंगे कि मोस्टली इनके ही क्वेश्चन ले पहला मेरे सवाल ये है कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है इस आयत के मतलब में अल्लाह किसको अपना नूर कह रहे हैं या जमीन आसमान का नूर कह रहे हैं जिसका हवाला इस्माइली जमात हमें देते हैं अल्लाह जमीन आसमान का नूर है इसका क्या मतलब है तो इस सवाल का जवाब यह है कि नूर से मुराद यहाँ सलाहियत है ये सब साथी सुनने वाले जहन में रखे ये अल्फाज को कि नूर से मुराद नूर दरअसल अल्लाह की एक सिफत है इससे मुराद सलाहियत है सलाहियत को इंग्लिश में मेरे ख्याल में टैलेंट शायद कहते हैं टैलेंट सलाहियत है किसी भी चीज किसी भी चीज ने अपना जो काम करना है दुनिया में जितने भी अल्लाह ने चीजें बनाई है आसमान में जमीन में उन चीजों ने जो जो अपने काम उनके सिपुर करना है जो जो उन उ, जिस खिदमत के लिए अल्लाह ने उनको बनाया है मसलन आग का काम जलाना है छुरी का काम काटना है ठीक है ना तो उसने जलाया उसने काटा मिट्टी का काम क्या है इंसान को दफनाते उसको तहलील करना है मिट्टी में उसको खत्म करना है गिलाकर तो ये उनके काम है तो ला तबारक ताला जमीन आसमान का नूर है का मतलब ये है कि जमीन आसमान में जितने मखलूक है उन्होंने क्या करना है क्या क्या काम उनके सिपुर्द है जो जो वो करते हैं वो सलाहियत अल्लाह ने दी है और वो ही उस सलाहियत को कंट्रोल करता है तो नूर का तर्जुमा उर्दू में वैसे उर्दू में रोशनी करते हैं क्यों क्योंकि उर्दू में इसके लिए एक ही यही लफ्ज है अरबी जो है ना वसी जबान है बहुत ज्यादा एक घोड़े के लिए सौ डेढ़ सौ नाम है ऊंट के लिए सौ डेढ़ सौ नाम है तलवार के इतने नाम है तो कल्प फुआत दिल को अरबी में दिल को कहते हैं कल्पुआत उर्दू में उसको दोनों के लिए दिल ही कहते हैं इसी तरह जो जो उन रोशनी को कहते हैं और नूर उन दोनों को उर्दू में रोशनी कहते हैं तो नूर सलाहियत है सलाहियत का नाम है तो हम किसी चीज को देखते हैं तो दो चीजों की वजह से उसको देख सकते हैं एक ये है कि उस पर रोशनी पड़ी हो उस पर रोशनी तक के कि आंखों की तरफ आए साइंसी लिहाज से भी और दूसरा ये कि हमारे आंखों में भी रोशनी हो ठीक है तो उस वक्त हम उस चीज को देख सकते हैं वरना नहीं देख सकते हैं साइंसी लिहाज से भी गौर करें अब यह है कि उस चीज पर रोशनी पड़ती है उस पर रोशनी पड़ के हमारी तरफ आ रही है लेकिन हमारे आंख में रोशनी नहीं है सलाहियत नहीं है उसको देखने की उसको आसान अल्फाज में क्या कहते हैं कि आँखों में नूर नहीं है यानी इसका क्या मतलब इन आंखों में नूर नहीं इसमें ये सलाहियत नहीं है कि उसको देख सके तो जो का जो का नूर है वो आंख की सलाहियत है एक बात दूसरे आसान अंदाज में उलामा ने भी इस पर बात की थी कि आइनस्टाइन के दौर से अब तक मतलब एक रूल एक उसूल आम उन्होंने जो मुतारफ करवाया वरना तो उसका उसूल रूल तो कायनात पैदा होने से उन्होंने कहा था कि एक मादा है और तवानाई है सब कहते हैं तो मादा को हवा से खमसा से उसका इदराक होता है हम महसूस कर सकते हवा से खमसा किसे कहते हैं देखना सुनना छूना टच करना जबान से चकना और जो है हाथों से छू कर ये अकल अकल वो मिला के खवास खमशा तो ये जो हवा से खमसा है इससे हम जिस चीजों को महसूस करते हैं उसको मादेक को हम हवा से खमसा से महसूस करते हैं अब दूसरी चीज उसमें तवानाई है उसको हम हवास से नहीं देख देख सकते हैं बल्कि हवास उसके नतीजे को उसके मजहर को देखता है मसलन आग के ऊपर पानी रखा है और आग नीचे जलाया है वो अब आग जलाने के बाद आग से पानी में क्या जा रहा है हमें क्या ट्रांसफर हो रहा है हम उसको महसूस नहीं कर सकते लेकिन उसका जो नतीजा है रिजल्ट जब वो पानी को लगकर पानी उबलता है तो हम उसके असर को अपने हवास से उसको पा सकते हैं देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं तो नतीजा ये निकला कि तवानाई मुंतकिल हुई इसी तरह अल्लाह तबारक व वा वाली का जो नूर है वो अल्लाह तला की सलाहियत है जो सारी कायनात में चल रही है ये ये चलना चलना उसका कायनात का अल्लाह के नूर का मजहर है कोई चीज जो अल्लाह ने इस कायनात में शामिल की है तो ये सारा सिस्टम चल रहा है यही अल्लाह अल्लाह नूर का यही मतलब है कि वो जो चीज जो सलाहियत इस कायनात में शामिल हुई इस कायनात को चला रहा है वही अल्लाह का नूर है इस आयत में अल्लाह नूर वल ननूसमावतर्द का मतलब यही कि आसमानों में जमीनों में ये जो चलने का पूरा सिस्टम निज़ाम है एक कुदरत खुदाबंदी से इस अल्लाह नूर वल अर्द का मतलब यही है कि ये जो सलाहियत है इसको मिली है हर चीज अपने रूटीन में उसमें चल रहा है यही नूर का मतलब यही सलाहियत मुराद है यही तो है। बेहतरीन जवाब। अगर किसी भाई का यहां पर क्लियर नहीं हुआ तो हम आपको दोबारा मौका देते हैं कि आप इस पर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोगों को कभी भी किसी ने इस तरह नहीं समझाया होगा हम यहाँ पे लाइव आपको मौलाना कासिम आपको हर चीज एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन किया आपने उसका जवाब हमने दिया मौलाना कासिम ने दिया अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है कि आपका अभी तक ये नहीं है तो मौजूद है हम लोग आप कभी भी प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में पूछ सकते हैं अगला सवाल हमने मैं पूछ लेती हूँ आपसे अपने साथियों की आसानी के लिए एक लव्स में और बढ़ा देता हूँ अगर नूर को न, नूर को बंदा ये ले, ले कि ये कोई जिसम चीज है और ये जो है जिसम के लिए आपको पता है कि अगर हम उसको रोशनी ही मुराद देना तो निकलने वाली रोशनी जो किसी चीज पे पड़ती है तो पढ़ के जब वापस आती है तो वो फिर पढ़ने वाली चीज की पढ़ के वापस आने की और उसके लिए फिर जिसम की और वक़्त की इन सब चीजों की जरूरत होती है ऐसे किसी चीज से अल्लाह सुबहान तला की पाक है नूर से अगर हम रोशनी मुराद ले लेना ले जो रोशन करने वाली चीज अगर इसको मुराद ले ले और वही अल्लाह की सिफत हम करार दे दे फिर इस माना इस आयत का हम ये माना नहीं कर सकते हैं अगर नूर को इस मानी में लिया कि अल्लाह इस तरह नूर है क्योंकि फिर वो मुहताज हो जाएगा इसलिए इसके आसानी के लिए मुफसरीन अरबी वाले सिर्फ इतना लिखते हैं अल्लाह नूराम तफसीर के लिए आता है आई अल्लाहत मुनविरतवलर्द मुनविर नूर से मुराद यहां मुनविर है मुनवर करने वाला जमीन आसमानों को ये ये के लिए ये एक लिख देते हैं अरबी अरबिकों में जी अब सवाल सामने कौन है अच्छा ये सवाल मेरा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब इस्माइली कहते हैं कि हमारे इमाम में अल्लाह का नूर शामिल है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह किसी इंसान में अपना नूर शामिल करके यानी कि अल्लाह की जात जो है यानी कि नूर है वो हलूल कर सकती है किसी इंसान में नूर की सूरत में अच्छा देखिए हलूल जो है ना हलूल करना ट्रांसफर होना कोई जिसम इधर से उधर मुंतकिल होना या सिफत इधर से उधर। ये दरअसल हिंदुओं का एक कंसेप्ट है हलूल का ना ये मुसलमानों का नहीं है इनका अकीदा यह है कि वो कई खुदा मानते हैं, वो कहते हैं कि हर एक मखलूक में कोई ना कोई जर्रा कोई ना कोई ऐसी चीज जुज ईश्वर का खुदा का है जो उन, उन उनके आपको पता है आ, हजारों में वो खुदा मानते बंदर को भी इसको भी उसको भी बुद्ध को भी आ, अच्छे क्रिकेटर हो उसको भी वो सचिन तेंडुलकर खिलाड़ी उनका उनको भी वो कहते थे कि ये भगवान है ये बगवान तो कर वो कर कहते था, था। अंदर जो है ना अल्लाह का जुज है ये कुछ ना कुछ अल्लाह का इसके अंदर जुज ये कह रहे कि इसके अंदर आ गया करके तो ये दरअसल है उनका लेकिन हलूल के लिए ना हाइल होने और महलूल दोनों में कदर मुश्तरक होना जरूरी है दोनों में एक चीज का ऐसा होना कि जो दोनों से मुतक हो जो अल्लाह से भी हो उससे भी हो होना जरूरी है न हो तो कम से कम एक वसफ में मुश्तरक होना जरूरी है ठीक। और अगर मुश्तरक ना हो तो फिर वो एक दूसरे में हलूल नहीं कर सकता अल्लाह सुबहान तला के, के बारे में आते लम या लित वलमुलत ये अगर हम उलूल का अकीदा रखे ज़ुज़ियत बाजियत का जुज अल्लाह का किसी में ट्रांसफर हुआ तो ये फिर लम यलिद लम के खिलाफ है इलाह जैसा कोई है नहीं तो ये सार फलाबूल के लिए ऐसे मिसाल बयान नहीं करो ये तमाम जो कुरान के तो आयात हैं इन सब का खिलाफ हो जाएगा ये अकीदा अगर रखे इंसान अब अगली तौर पर भी हम इसको देखते हैं ना हम इंसान की बनाई हुई एक मखलूक को देखते हैं मखलूक को कि इससे भी बातें समझ में आती है ये जो फोन के हम बात कर रहे हैं इस वक्त कोई तार टच नहीं है लहरों के जरिए से ये जो लहरों की मिसाल है ये कुछ अजसाम के अंदर से गुजरती है मसलन बंदे के कमरे के अंदर बैठा हुआ है ये किधर से आ जाता है और जो है ना ये कभी बर्फ खाने में बंदा बैठा हुआ उधर जाती है लहरें और मुख्तल जिस्मों से होकर गुजरती है ऊपर मंजिल में वाईफाई है तो नीचे मंजिल में दूसरे बिल्डिंग दे में, दे में सब कुछ शीशे वगैरह सब बंद है बंद होने के बावजूद ये चीजें क्या हो जाती हैं लहरें ये गुजरते हैं हालांकि दीवार से भी गुजरे शीशे से भी गुजरे ये जो है ना रेत के बीच से भी गुजरे लहरें गुजरती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये लहर उस सीमेंट में भी उस शीशे में भी उस टीन के डब्बे में भी लोहे में भी जो है ना सब में हरूल कर जाता है नहीं बगैर हलूल किए हुए ये गुजरता है ये तो एक मखलूक की बनाई हुई एक चीज है जिसे इंसानों ने खुद ईजाद किया और इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब ये सब चीज में हलूल किए बगैर गुजर सकता है तो किसी नूर का अपने अल्लाह तबारक वाली जो हिदायत है सलाहियत है ये किसी को दे दे इंसान को मसलन अम्बिया हिदायत के नूर थे इसी तरह नेक लोग हिदायत के नूर है हर मोमिन हिदायत का नूर है न आम मखलूक को भी जानवर चरिंद परिंद को भी अल्लाह तबारक व तला ने एक कस्म की सलाहियत दी है दुनिया के सिस्टम को चलाने के लिए वो सब इस कदर नूर हर इंसान में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई हलूल करके उसके अंदर चला गया या अल्लाह का जुज बन गया वो इससे हर ये मकसद ये मुराद नहीं होता क्या मुराद नहीं होता लेकिन जैसे मैं उनसे सवाल करती अलग, अलग चीज़ है अच्छा आज मेरी एक इस्माइली भाई से बात हुई मेरा उनसे बेसिक सवाल ये था कि आप हाजिर इमाम को इंसान मानते हैं या कोई और मखलूक उन्होंने कहा कि है तो वो बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो जब मैंने सवाल किया कि आप इधर होते हैं और वो पोर्चुगाल बैठे हुए आपकी दुआएं सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि वो जो अल्लाह का नूर है जो उनके अंदर है वो उन्हें सुनवाता है तो तभी मेरे जहन में ये सवाल आया कि क्या किसी इंसान में अल्लाह का नूर आ जाए और फिर वो ताकतें भी आ जाएं जो अल्लाह में है कि वो कहीं पर भी किसी की भी दुआ सुन लेता है ये अकीदा इस्माइली हजरत का है अगर हमारे कोई भाई नुरुला भाई अहमद भाई और बिलाल भाई अगर अब तक जितनी भी गुफ्तु हुई है कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं तो प्लीज कीजिए वरना मेरे पास यहाँ पे तकरीबन तेरह सवाल लाइनअप में है अः मौलाना कासिम के लिए इसके बाद कमेंट्स में भी अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो बार बार कहा जा रहा है कि प्लीज दिल से हर चीज निकाल के एक आम इंसान मुसलमान जो कुरान पर यकीन रखता है उस लिहाज से आप सवाल हो सकता है आपके सवाल हमारी भी रहनुमाई हो सके नूरला तो से सवाल कर लीजिए प्लीज जी कासिम साहब ये जो नूर का जो हमारा टॉपिक है आज का उसके मुतालिक मैं आपसे कुछ क्या, क्या, सवाल करना चाहूंगा या फिर बोलना चाहूंगा तो आ, मैंने एक यूट्यूब का एक क्लिप देखा उसमें अहले सुन्नत वल जमात का के साहब साबित थे उसमें है उसमें वो उनसे एक आ, मसला पूछा गया कि के, के नूर मिन नूर अल्लाह जो अजान के वक्त जो सुन्नीज जो हैं जमा अजान के वक्त ये पढ़ते हैं नूरुन नूर मिन नूर या फिर नूर मिन नूर अल्लाह ये अजान के दौरान ये कुछ कुछ मस्जिदों में पढ़ा जाता है तो इसका मतलब ये कहते हैं कि अल्लाह का जो नूर का एक टुकड़ा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा अकीदा रखना अहले सुन्नत वल ज़मात के अंदर अकीदा है और किताब और सुन्नत के मुखालिफ है तो उन्होंने ये आ, आ, उन्होंने ये खुलासा किया कि सूरह तौबा आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस में अल्लाह सुबहाना उचाला फरमा रहे हैं कि मैंने नबी को आप इंसानों में से ही पैदा किया है नबी बनाया है और सूर्य कहफ के अंदर आयत नंबर 110 के अंदर भी आ, उन्होंने फरमाया है कि नहीं। नहीं। आ, ये जो एक मिनट मैं यहाँ पर दिया हूँ हाँ कि आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हो तो अगर नूर में से अल्लाह के नूर में से पैदा होते तो अल्लाह फरमाते ना कि अपनी किताब में कुरान में के भाई ये हमने नबी को हमारे नूर में से पैदा किया है उन्होंने अल्लाह को फरमा दिया कि मैं तो एक आप आप जैसे इंसानों में से मैंने आपको पैगंबर बनाया है तो इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे जी इस तरह अकीदा चाहे वो अहले सुन्नत में से रखे इस्माइली रखे शिया रखे जो भी रखे कुरान हदीस के वो शरीह आयत के खिलाफ होगा जैसे एक आयत के आवला आपने दिया लक जा रसूल हमने तहकी आया रसूल तुम्हारे अपने में से तुम्हारी अपनी नफ्सों में से जानों में से और ये बात बिल्कुल वाज़े है अब्दुल मुतलब के बेटे अब्दुल्ला और उनके सुलुब से उनके सुलुब से हजरत आमिना के बतन से रसूल सल वसलम दुनिया में तशरीफ लाए थे जिसमानी लिहाज से दो आंख दो कान इस लिहाज से आम इंसानों की तरह उसके जिस्म की बनावट थी लेकिन वो अपने अंदर सलाहियत के लिहाज से हिदायत के लिहाज से वो नूर के मीनार थे देखिए ज़ात के तिबार एक होते हैं ना जात, एक होता है उसके सिफात जात उस चीज को कहते हैं जिस पर शे कायम हो मसलन दीवारों पर छत कायम है तो दीवारें छत के लिए ज़ात हैं। अच्छा इसके ऊपर जो पलस्तर और कलर है ये सिफात कहलाते हैं और सिफात खारी जो शय होते हैं मतलब वो ज़ात से अलग तक, अगर वो सिफात को हटा दी जाए जात फिर भी कायम रहती है तो जात के एतबार से मैं ज़ात का तारुफ करा रहा था ज़ात के अतबार से तमाम अम्बिया वसलात बशर और इंसान थे हिदायत के एतबार से नूर थे नबूत के अतबार से वो नूर थे अच्छा नूर ये जो हिदायत में तर्जुमा कर रहा हूँ नबुअत तर्जुमा कर रहा हूँ सलाहियत जिसे मैं कह रहा हूँ इस लिहाज से अम्बियात बहुत बड़े थे हिदायत के वो मीनार थे ऊंचे इसके बाद इस लिहाज से जो हिदायत के लिहाज से उलामा किराम को भी नूर कह सकते हैं हिदायत के लिहाज से आम इंसानों को भी नूर कहा जा सकता है जो जितना हिदायत ज्यादा देता है वो इतना ज्यादा नूर है ठीक है ना जो जितना ज्यादा हिदायत लोगों को देता है रहनुमाई करता है वो इतना ज्यादा नूर है तो किराम आम लोगों से ज्यादा लोगों की रहनुमाई करते हैं लिहाजा उनमें भी नूर है एक हदीस की तरफ, तरफ मैं आता हूं एक हदीस की तरफ कि इससे भी हलूल और नूर का अकीदा थोड़ा सा समझ में आता है एक बंदा जब हदीस में आता है अल्लाह की इबादत इतना करता है जायद नफली एक्स्ट्रा इबादत इतना करता है कि अल्लाह तबारक वाली उसका कान बन जाता है जिससे वो सुनता है आंख बन जाता है जिससे वो देखता है और जो है ना अल्लाह तबारक वाले उसके कान बन रहा है सुन रहा है आंख बन रहा है जिससे वो देखता है इसका मतलब यह है कि वो आम इंसानों से उसकी सलाहियत बढ़ जाती है मतलब वो गुनाहों को बुरे बातों को ज्यादा बेहतर जानता है आम इंसानों के मु, मुकाबले में क्योंकि वो गुनाहों का कर करके उनकी ये सलाहियत कम हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक वाल कोई हरूल करके उसके कान बन गया झुज बन गया उसका आंख बन गया ये चीजें हो गई नहीं बल्कि मतलब यह है कि बात से बुरी बात को वो ज्यादा आम इंसानों की सलाहियत के बदर ज्यादा जानता है इसी तरह जो है अच्छा अच्छी चीज को एक चीज में खूबी है उस अच्छाई को चूंकि अल्लाह तबारक वाली ने उसके समझने की सलाहियत को बढ़ा दिया उसके लिए आं कान बनने का मतलब यह है कि इन चीज़ों को वो बेहतर दूसरे लोगों से जानता है ये आम आम मामूल में भी आए ना आम मामूल में भी ये जो नफसियाती डॉक्टर्स होते हैं वो जब इंटरव्यू के वक्त बैठते हैं बंदा पाओ हिलाए बात करते हुए ये इसमें इस बात की अलामत है आंखों को पकड़े या हाथ ज्यादा हिलाए और इधर उधर देखे या पाओं को हिलाए इसका मतलब ये है कि इसमें यह चीज कम कम ये ज्यादा है तो ये देखो नफसियाती डटर इस बात को समझ सकते हैं हर कोई नहीं समझ सकता क्यों इसलिए कि उसके अंदर यह सलाहियत दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा है वो इन चीजों को पहचानता है तो अल्लाह तबारक वाली का आंख कान बनने का मतलब यह है कि इन चीजों की पहचान की सलाहियत अल्लाह तबारक वाली बढ़ा देता है अल्लाह तबारिक वाली की किसी मखलूक की पहचान में नहीं आ सकता इस पे बात करेंगे इनशा सवाल ठीक है आपने एक हदीस का बयान मुझे बड़ी हैरत हुई है मोस्टली हमें स्माइली हजरात से ये मिलता है जवाब कि जिसको अल्लाह ने कहा कि ये यदुल्ला है ये लिसान अल्लाह है और अल्लाह का हाथ है अल्लाह का ये जो है वो सब कुछ है तो आपने तो जो अभी हदीस बयान फरमाई उसके हिसाब से तो आपने लोगों को भी उस कैटेगरी में शामिल किया तो क्या ये भी हदीस है और वो भी हदीस है कि अली जो है वो अल्लाह का हाथ है ए, अली अल्लाह का हाथ है नहीं ये जी? नहीं, नहीं ये हदीस के ही नहीं देखी हमने कोई हवाला हो तो उसको देखेंगे कहाँ है बाहर देखे अल, अल्लाह तबारक वाल के लिए उसका आंख बन जाए कान इंसान के लिए ना आम इंसान एक बंदे के लिए कहा जा रहा है तो उसका ये मतलब है अल्लाह तबारक वाल उसकी रहनुमाई करता है उसकी सलाहियत बढ़ा देता है ये मतलब है वो एक वाक्य बयान करते हैं इसमाइली के हजरत उमर रजी अल्लाह के पास एक बंदा कुछ शिकायत लेके आया कि अली ने मेरे लिए ऐसी कोई बात कर दी ली ऐसा कोई फैसला कर लिया है तो हजरत उमर ने कहा कि तुझे अल्लाह के आंख ने देखा तुझे अल्लाह के कान ने सुना और तेरे हक में उसी ने फैसला किया तो ये इस तरह का एक वाक्य प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं लेकिन इस्माइली बहुत कोट करते हैं कि तुम्हारे उमर ने ही तो हजरत अली को अल्लाह का हाथ और अल्लाह का और की कान कहा तो इस हिसाब से अली जो है वो अल्लाह के जो, जो के अजा में से उनके अजा है इस तरह की बात होती है नहीं, ये जो अल्ला सारी अल्ला बात है। ले सका मिसली ही जब कुरान ने कहा उसके मुकाबले में हदीस हो तो उसको रद्द कर दी जाएगी उमर रजी अल्लाह का तौल तो दूर की बात है कुरान के सरीह वाज आयत के मुकाबले में हदीस आ जाए तो हदीस को रद्द किया जाता है कुरान के आयत पर अमल होता है और भी अगर कोई सवाल करना चाहेगा इस मुताल में एक जी नूर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ की ये जो इस्माई लोग बोलते हैं की हजरत अली ये जो मन गढ़ हदीस उन्होंने बनाई है की हजरत अली अल्लाह के हाथ है कान है अगर ऐसा होता ना तो सबसे पहले अल्लाह सुबहान इसका जिक्र कुरान में करते इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता कुरान में हदीस का तो छोड़ दीजिए कुरान ये, जो है ना अली रजुल्ला के हाथ में देखिए ये ये कुफरिया कलमात है शिरकिया बातें हैं ये, ये ये कोई दीन का हिस्सा कोई हदीस में कहां हो सकता है जब एक अकीदा है इस्लाम के मजबूत अकायद आदम सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक के जो दीन में इस तरह की बातों का वो गुंजाइश नहीं है तो ऐसे अकीदे को पकड़ के लाना हजरत अली रजी तुम कहाँ एक सहाबीला के बिरदर अमज है चाचाद बाई है उनके दामाद है एक इंसान है इस तरह की बातें इंतहाई गैर मुनासिब और जो है ना इस्लाम का नाम लेवा नाम लेने वाला ऐसी बातें नहीं कर सकते मुनासिब नहीं है नहीं कर सकता अच्छा मौलाना कासिम साहब आपको याद होगा मैंने आफ्ताब हुसैन मिशनरी का एक मकालमा शिर का पोशीदा पहलू आपको भेजा था उसमें से एक पॉइंट मुझे याद आया उन्होंने ये कि अल्लाह ने जब फरिश्तों को कहा कि हजरत आदम को सजदा करो तो वो शिरक इसलिए नहीं था क्योंकि हजरत आदम में अल्लाह ने अपनी रूह और नूर डाला था तो जो सजदा था वो असल में आदम को नहीं करवाया गया आदम के अंदर जो नूर और रूह थी अल्लाह की उसको सजदा करवाया गया तो ये वाक्य इस तरह बयान किया गया उस मकालमे में जरा इस पे भी रोशनी डालिए कि वाकई में ये सजदा आदम को था या अल्लाह के नूर को था या अल्लाह ने जो कहा उस आयत में कि हमने अपनी रूप फूक की आदम में जरा बयान फरमा दीजिए प्लीज सजदे की दो कस्में होती है एक सजदा तबुदी है एक ताजिमी है सजदा तबुदी जो है इबादत के तौर पर सजदा किसी शरीयत में किसी के लिए मखलूक के लिए कभी रवा जायज नहीं रहा है कोई भी मखलूक हो चाहे फरिश्ता कोई नबी बरगजीदा नबी कोई जिन कोई किसी मखलूक आजम सलाम के लिए भी सजद तबी जो इबादत वाला सजदा है वो कभी रवा नहीं रहा है दूसरी बात रही सजद तज़ीमी की जो अजमत के लिए बड़ा कोई आयना बुजुर्ग हम उसके तजीम के लिए खड़े होते हैं इसी तरह पहली शरीयतों में रसुल्ला शरीयत हाँ, जायज था कोई बुजुर्ग आया उसके लिए सजदा करना के लिए एहतराम के लिए जायज था और इसी तौर पर आदम को सजद कराना वजह क्या बनी थी वजह यह बनी थी फरिश्तों ने कहा था कि आपकी इबादत के लिए या ला हम मौजूद है हर वक्त इस इंसान को बनाने की क्या जरूरत है फिर कुरान खुद बता रहे वाहम आदमा अकुल्ला तमाम चीजों के दुनिया के मामूल की चीज़ों के नाम आदम सलाम को अल्लाह ने सिखा के फरिश्तों को कहा बताओ तुम इनके नाम नहीं बता सके आदम सलाम ने बता दिया कहा कि देखो इसमें सलाहियत ज्यादा है लिहाजा इसके तजीम करो सजदे में गिर जाओ इसके आगे मेरा हुक्म है है, अल्लाह का हुक्म था हुक्म था आदम की अजमत को उन पर जाहिर करने के लिए कि अब जो मैंने मखलूक पैदा की है ये सलाहियत में तुमसे आगे है लिहाजा तुमसे बरकर है ज्यादा है इसमें मैंने अपना ऐसा खलीफा बनाया लिहाजा इसकी ताज़ीम करो ताज़ीम का तरीका क्या है सजद करो इसको ये सजद तजी था यह सजद तबी इबादत के लिए नहीं था एक बात बिलफर्ज तो हम एक मिनट के लिए फर्ज करते हैं माहली था, तो था कर तो तो आदमा ये कहने वाला अल्लाह की जात थी हमें अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है बाकी आगे क्या है उसको नहीं देखना है हुक्म अल्लाह का था उस जुदोली आदमा उस जुदोली आदमा के हुक्म पर जब हुक्म हुआ महकूम ग़ुलाम का काम जवाब देना नहीं फौरन वो करता है इसलिए सब सजदे में पड़ गए शैतान न पड़ने की वजह से एतराज करने की वजह से मरदूद हो गए तो ये हुक्म अल्लाह के हुक्म पर अमल करना था बिलफरज उसको ले उ, 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 उसके मानी को ले लिया हालांकि वो तो नहीं था ताजिमी सजदा था वो तो बाद में भी बुजुर्गों को लोग किया करते थे रसल्लम की शरीय में ताजिमी सजदा इसलिए ममनू करार पाया क्योंकि ये क्यामत तक के लिए है के ही दोबारा शिरक इस उम्मत में दोबारा दाखिल ना हो जाए सब मुशरक ना हो जाए इसलिए कहा कि इस उम्मत के लिए सजद तज़ीमी भी ममनो है बिलफर सजद तजीमी की इजाज़त होती तो मैं बेगमात को कहता कि अपने शौहरों को सजदा करो इन काम आप पर बहुत बड़ा हुकूक है हक बहुत बड़ा है इसको सजदा करो जब इसको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ फिर दुनिया में किसी को भी सजदा करने की ताजीमी सजदा करने की भी इजाजत नहीं है सजदा करने की भी इजाजत नहीं बेहतरीन बात अल्लाह ने अपनी रूह फूक दी अल्लाह की रूह फूकी गई हजरत आदम सलाम में रूह के हवाले से आप ऑलरेडी बयान दे चुके हैं और माशाल्लाह वो कंप्लीट है किसी को अगर रूह के मुतालिक ये जो पर्टिकुलर सवाल है कि अल्लाह ने अपनी रूह आदम आल सलाम में फूकी वो आपको यूट्यूब पे हमारा चैनल पे नूर का कॉन्सेप्ट एक और यूट्यूब है मौलाना कासिम का बयान है रूह के मुतालिक वो जरूर सुन लीजिएगा अगला सवाल हम कर लेते हैं कि इस्माइलियों का कहना है कि नूर को नस वालेकुम सलाम सिस्टर सर मुझे आ, कुछ पूछना था कि ये जो जमात खाने में दुआ पढ़ाते हैं उसका फोर्थ पार्ट जो है ना उसके अंदर अल्लाह का हाथ का जिक्र आता है तो हम जब इस्माइली से बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि उसके अंदर अल्लाह का हाथ का जिक्र है तो वो अल्लाह का हाथ कहाँ है वो अल्लाह का हाथ अली का हाथ था और आज प्रेजेंट इमाम में है ऐसा गोल गोल बातें करते हैं तो इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना जी जी बहुत शुक्रिया आप शायद थोड़ा लेट आई लेकिन कासिम साहब जवाब दे दीजिए प्लीज अल्लाह सुबहान के जहाँ पर आजा साबित है अल्लाह तबारिक वाल के लिए तो चूंकि अल्लाह तबारिक वाल जिसम हाथ पाँव पैर वगैरह से पाक है हमारा अकीदा ये है क्योंकि जहां जिसम होगा उसके लिए जगह की जमान मकान की जरूरत है अल्लाह तबारिक वाली इन सब चीज़ों से पाक है लिहाजा फिर भी जब हाथ का जिक्र है तो उसके बारे में कदीम जो है मुतकलमिन उनका नजरिए है कि हाँ अल्लाह के लिए हाथ है उसके अल्लाह के शायान शान है हमें नहीं मालूम उसकी हकीकत इंसानों के हाथ की तरह हाथ नहीं है अल्लाह तबारक व के शायन शान हाथ है वो कैसा है उसकी हकीकत क्या है उसकी कनू क्या है उसके अंदर तक हम पहुंच नहीं सकते तो जहां आएगा ऐसा तर्जुमा वो अल्लाह का हाथ उसके शाय निशान है जैसे वो है उसके जात को हम नहीं समझ सकते उसके हाथ को भी हम नहीं समझ सकते एक माना तो मस... मुकदमी ने यह किया मुता फरमाते हैं कि जहां पर ऐसे अल्फाज आए हैं उससे हम अल्लाह की कुदरत मुराद लेते हैं मसलाद्लाजमा अल्लाह का हाथ जमात के साथ है इनफिरादी इनफिरादी हो मदद नहीं है तो यहाँ पर अल्लाह के हाथ से मुराद अल्लाह की मदद अल्लाह की कुदरत इन अल्फाज के साथ इनका तर्जमा किया जाता है मतलब सुरतरान में आता है वजह अल्लाह का चेहरा यहाँ से अल्लाह की ज़ात मुराद है चेहरे से मुराद इस तरह चेहरा नहीं जैसे कि इंसानों का कोई जिसमानी चेहरा हो नहीं या तो नहीं। इससे चेहरा अल्लाह की निशान है जिसको हम जन्नत में जाके अल्लाह का दीदार हो जाए देख लेंगे या इससे मुराद अल्लाह की ज़ात मुराद है और चेहरे से अल्लाह की ज़ात मुराद यद से मुराद अल्लाह की मदद अल्लाह की कुदरत मुराद है

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम के हाथ पर सब बेयत नहीं लेते थे इसके कई एक वाकया थे मसलन कुछ लोग कहते थे कि हमने बेयत किया सल्लम उनको पैगाम भेजते थे ठीक है मेरी तरफ से कबूल है ये कहते थे और बेयत खास किसी मौके पर बात को मजबूत करने के लिए लिया जाता है मसलन जब हुदैबिया का वाकया पेश आया हज करने, उम्रा करने आए अंदर नहीं जाने दिया गया और ये खबर आई कि हजरतानी को शहीद किया गया जो कासिद थे रसोल के तो एक दरख्त के नीचे बैठ कर रसोल ने सबसे बे ली के सब मेरे हाथ पे अपना हाथ रख कर बता दो के आखिरी वक्त तक खून के आखिरी कदरे तक मेरा साथ दोगे तो सब ने बे हाथ पे हाथ रख कर ऐलान किया था अब देखे अगली तौर पर भी देखे रसोल्ला मदीने में थे बाहर बहुत सारे कबाइल थे अच्छा मक्के में आए बाहर कबाइल थे बहुत सारे ऐसे लोग थे दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले बकरियां वगैरह वा चराने वाले वो सब आकर रसोल सल्लाम के हाथ पे हाथ रख कर बेत नहीं किए कुछ ने दूर से ही देखा है रसोलम को करीब आने का भी उनको मौका नहीं मिला जरा दूर से देखा है और कुछ लोग ऐसे थे कि जो बीमार थे ए, वबा के दिनों में इस्तलाल भी कर रहे थे जब पता चला वो फरान तो कि वो फलान कबीला आए उनमें वबा फैली है बीमारी तो रसोल ने फरमाया कि हाँ मुझे कबूल है उनके बेत में उनकी तरफ से उन्हें कह दो कि वो इसे वापस जाए मतलब वबा की कैफियत थी उस वक्त उनसे बयात रसुल्ला ने नहीं किया अब यह है कि हाथ पे बयात करने का मतलब यह है कि किसी को अपना अमीर तस्लीम करना किसी को अपना अमीर मानना अब देखे हजरत हुसैन ऊपर उनके हाथ पर भी बेद किया था लेकिन वो लोग कहाँ थे दूर थे शाम में थे मक्के में थे और, और हजरत हुसैन रदी तन मदीने में थे फिर मक्का तशरीफ लाए क्योंकि उनको पता था मक्के में भी बहुत सारे लोग उनके हामी है तो वो हामी होना ही बेत कहलाता है बेत के लिए ये जरूरी नहीं कि एक हाथ हो दूसरा अपना हाथ उस पर रखकर अच्छा इसकी एक और मिसाल मैं आपको बताता हूं जितनी खातन थी जितनी खातन गैर मुहरिम जितनी खवतन थी वो तो सब रसोल्ला वसलम के हाथ पे बेहद कर चुकी थी तो वो कोई बेहद करने का मतलब ये नहीं था कि हाथ पे हाथ रखते थे नहीं हमने कहा उन्होंने आके कुरान की आयत है सूरतना की आखिरी आयत है रसोल्ला से फरमाया जा रहा है कि आप उनसे इस बात पर बैत ले लो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे वसरक यसदीना। चोरी नहीं करेंगी जिना नहीं करेंगी इन सब चीजों पर इनसे एग्रीमेंट करके इनको इनके इस्लाम को कबूल करो मतलब इनके इस्लाम को एक्सेप्ट करो तो ये एक्सेप्ट करना कबूल करना ये बेत कहलाता है हालांकि कोई किसी खातून ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ रख के बेत नहीं किया लेकिन उसको भी ये कहा जा रहा है कि आपके हाथ पे बेत करे तो उनसे ये एग्रीमेंट ले लो तो इससे पता चला कि बयान करने का मतलब यह है कि वो किसी चीज का इरादा करे इस्लाम कबूल करने का करे आप उनके साथ इस एग्रीमेंट के साथ तहत उनकी बात मान लीजिए इसी को हाथ पे बेत कहना मजाजन कहा जाता है हकीकता हाथ पे हाथ रखना नहीं होता है कहीं पर कुरान में अच्छा किसी और तो सवाल कर सकते हैं क्योंकि आखिरी के अब मेरे पास आखिरी के दो सवाल रहते हैं मौलाना कासिम के लिए अगर कोई और करना चाहता है सवाल वो कीजिए इसमारी जमात के हवाले से मेरे पास जो सवाल नसल दर नसल इमाम में नूर जो है वो अल्लाह का मुंतकल होता रहता है एक इमाम से दूसरे इमाम क्या कोई ऐसी हदीस ऐसा कोई कुरान का कोई ऐसा जुमला या मुतशाबिया में ही सही क्या ही पर कोई हमें हिंट मिलती है कि नसल दर नसल नूर मुंतकल होगा नहीं नूर से नूर से मुराद जैसे मैंने पहले आरज किया हिदायत लिया जाए तो ये आम है तमाम इंसानों में यहाँ तक कि दरी बे, बे चीजों में भी वो सलाहियत है अल्लाह तबारिक वाली के सिस्टम में चलने की जैसे आग जलाने की मिट्टी को तहलील करने की इस सलाहियत से नूर मुराद लिया जाए तो वो तो अल्लाह तबारक व ने एक दफ़ा दिया है इससे अगर आप हिदायत मुराद लेते हैं दूसरे माने की तरफ आए तो ये हिदायत हर एक के लिहाज से अलग अल्लाह तबारक वाली ने उसको अता किया है अता किया है ये नहीं है कि कोई उनके नस्ल में ब्लड में कोई चीज ट्रांसफर हो रहा है नहीं ब्लड में इसको हम जुल समझ कर ट्रांसफर करें तो ये फिर अल्लाह का बेटा इशार सलाम है और इसमें फर्क क्या रहेगा जुजियत बाजियत बना दे अल्लाह का जुज इसमें है तो यहूदी भी तो इस सलाम को अल्लाह का जुज कहते बेटा। बेटा हैं है तो, तो, तो फिर मैंने अर्ज किया था कि हिदायत मुराद है और हिदायत जो है ना हर एक इंसान में कम उबेज ज्यादा होता है जो जितना लोगों की रहनुमाय करे ये दावत दे दीन की तरफ लाए वो इतना ही हिदायत का उसी दर्जे में होगा और नूर का हिदायत के दर्जे में है नूर के दर्जे में है एक ही बात जी अल्लाह का नूर अल्लाह के नूर का टुकड़ा किसी इंसान में आ जाना ये मौलाना कासिम ने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हिदायत माने है तो नसल दर नसल क्या हर कोई अपने औलाद को ट्रांसफर कर सकता है कुरान की एक आयत पेश करते हैं जुरा ज़ुहरफ की शुरे जुखरफ है उसमें है कि उन मुशरक लोगों ने यह बात बनाई है कि अल्लाह का खुद इसके बंदों में से कोई जुज है हकीकत यह है कि ये इंसान खुल्लम खुल्ला ना शुक्रा है मौलाना कासिम ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन कर सक चुके हैं कि फिर क्या फर्क रह गया कि जिन्होंने अल्लाह की बेटियां नावजुब्ला फरिश्ते बना दी ईसा को जो है वो अल्लाह का बेटा बना दिया अब इसमाय नूर जो अल्लाह का नूर उसका कुछ हिस्सा अपने इमाम में मानते हैं तो क्या ये मुशरिकों वाली बात किस पर लागू होती है ये भी देख लेते हैं आखिर में मेरा सवाल ये है कि अगर एक इंसान खुद ही ये दावा कर दे कि मेरे अंदर अल्लाह का नूर है उसके क्या बात करेंगे क्योंकि मेरे पास हाजिर इमाम का फरमान मौजूद है स्क्रीन पे शो कर देती हूँ जिसमें ये कहते हैं कि मेरे मेरे जो दादा थे उनके मरने के बाद मेरे अंदर वो नूर मैंने वो उसको होल्ड कर लिया मैंने उसको संभाल लिया मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ नबी का और मैं उसी नूर को रिप्रेजेंट करता हूँ एक इंसान खुद अपने अंदर नूर का दावा करते हुए मौलाना कासिम साहब ऐसे शख्स के लिए क्या अल्फाज बयान करेंगे नहीं इसका मैंने जो आयतें आपके सामने रखी ना इससे हम नूर को कोई एक जुज टुकड़ा या कोई ऐसे नहीं है जो क्या हो जाए कि खून की तरह या इंसान के सुलभ जो बीच है उसकी तरह किसी में मुंतकिल हो जाए ये एक सिफत है अल्लाह तबारिक वाली की और इस सिफत को अल्लाह तबारिक वाला ने इसको सलाहियत के मानी में ले ले तो हर इंसान हर मखलूक में उसका कुछ असर रखा है जिसे इंसान बुरे को बुरा अच्छे को अच्छा समझता है ये खाऊं तो मैं मुझे जलाए ये मुझे इससे खाने से नुकसान फ़ायदा होगा ये खाने पीने की चीज है इधर पाँव रखूंगा गिर जाऊंगा ये जो समझने की सलाहियत है ये भी तो अल्लाह तबारक ने इसको दिया है इसको अगर नूर मुराद ले लिया जाए तो ये तो आम इंसानों में जानवरों से ज्यादा है जानवरों में आम जो है ना नबाता जमादात से ज्यादा है तो इस लिहाज अगर कोई कहता है कि मैं नूर हूं तो आप भी कह सकते हैं मैं नूर हूं मतलब मुझे मेरे अंदर भी ये सलाहियत अल्लाह ने रखी है अच्छा बुरा जो है ना खडा अंधेरा साफ सुथरा गंदा पाकिजा नापाक इन चीजों को समझ सकता हूं तो इस लिहाज से हर कोई नूर है अल्लाह लिहाज से हर कोई अल्लाह का नूर बेशक आपने जो बातें की हैं हक कही हैं क्योंकि मेरे पास कई सारी हदीसें भी मौजूद हैं और अल्लाह पाक ने इंसान की नेकियों को भी नूर कहा इसके अलावा किसी बूढ़े इंसान की सुफेद दाढ़ी को भी नूर कहा किसी के इल्म को नूर कहा यहाँ तक कि इंजील तौरात को, को भी अपने वक्त और अपने ज़माने का नूर कहा लेकिन आज के दौर के हाजिर इमाम जो इनके इमाम है वो ये कहते हैं कि असल हिदायत असल नूर मैं हूँ मुझे थामे रखो कुरान तेरह सौ साल पुराना हो चुका नाउजुबिल्ला अब वो फरमाते हैं कि मैं के कुरान मैं असल नूर मेरी पैरवी करोगे तो ही फला पाओगे इसमाली जमात के लिए आखिरी सवाल ये मैं छोड़े जाती हूँ कि अगर आप कहते हैं नसल दर नसल नूर इमामत का हमारे हर इमाम में बदलता रहता है और जैसे ही एक इमाम मर जाता है इंतकाल कर जाता है तो उसका नूर वो पास ऑन होता है वो दूसरे जिसम में चला जाता है तो सवाल यह है कि अली जो है वो नसल से नहीं थे तो हजरत अली में वो नूर कैसे आया सवाल इसमायी जमात के लिए मोलाना कासिम साहब अगर आप वजाहत करना चाहें इस बारे में शेख मुमताज मोहतरम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है अलहमद जी मौलाना कामिल पूछ रहे हैं आप जी कासिम साहब जी हज़रत अली रजील्ला जी इस लिहाज से वो तो बेटे थे अब वालिब के तो अबू तालब बैठे थे अब्दुलमतब के इस लिहाज से वो लाइन अलग थे रसोल्लासम वा, का अब मामूल तो यही कि नसब जो है ना नसल वो बाप से चलता है इसलिए बच्चे बाप के होते हैं और साइंसी लिहाज से भी और शरीर लिहाज से भी यही मसला है अब यहाँ पर रसोल्लाम के चूंकि नरीना औलाद बालग होने की उम्र तक जिंदा नहीं रहे हैं इसलिए का जो नस्ल हजरत फातिमा रजी उनकी बेटी से चला है उनके औलाद को हजरत हसन हुसैन को रसोल्लाम ने अपने नवासों को अपना बेटा कहते थे और चूंकि उनकी बेटी से ये नस्ल इस तरतीब से चल के आया है उनके फैमिली के फर्द थे फातिमा रजी उनकी बेटी थी तो उनसे नस्ल चला हज़रत अली रजील रसोलम के बेटे या उनके पोते या नवासे नहीं पोते नहीं थे बल्कि ये अबू तालिब के बेटे थे ये नसब अलग है वो नस्ब अलग हैजरत अली रजी खर्चे आगे जाकर दोनों मिलते हैं रसोलम के वाले जो ग्रामी थे अब्दुल्ला और हजरत अली रजी तन के जो वाल थे अबू तालिब ये दोनों बेटे थे अब्दुल के अपने दादा में जाकर दोनों नसब आपस में मिल जाते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब थे सताली तन नहीं थे इसलिए आपका सवाल बजा है कि जब हजरत अली रजी तह रसोल्ला के नस्ब से नहीं थे तो रसोल का नूर अगर वो बेटे में ट्रांसफर होता है किस तरह हजरतली रजील में मुंतकिल हो गए वो जब इस तरह एतराज करते हैं दावा करते हैं तो दावा पर ये बहुत बड़ा जरा है मुनासिब बात है ये एक सवाल उन पर बनता है जो उनको इसका जवाब देना चाहिए देना चाहिए बहुत शुक्रिया मौलाना कासिम साहब नूर के हवाले से अगर अब किसी ने कोई सवाल करना है तो ये प्रोग्राम इधर एंड हो जाएगा आपके सवाल फिर हम आप लोग एक मत कीजिएगा ये प्रोग्राम मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी बाकी हजरात प्लीज रहिएगा नूर के हवाले से सवाल अपना आखिरी चंद लम्हा है उसमें किसी ने कोई करना है सवाल नूरल्ला भाई है बिलाल भाई है तो कीजिए फिर ताकि हम प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में चलते हैं जी जी मैं एक एक सवाल करना हां सर सलीम भाई आप कुछ कहना चाह रहे जी जी मेरा ये कहना था मां साहब कि अगर कोई कहता है कि मुझ में नूर है और उस नूर को मतलब तो हिदायत के तौर से लिया जाए तो उसको जज करने के लिए भी तो कोई शराय होगी ना अगर थोड़ी सी इजाजत मुझे भी दे मैं भी एक दो बात कह कर दूं जी जी अच्छा वो देखें जी जी असल गुजारिश ये होती है ना ये आगे विरासत चलती है जहरी विरासत माली विरासत या रूहानी विरासत तो देखें हजरत अली रजी बड़े साहबजादे थे वो हजरत हसन थे लेकिन औलाद हाँ, का, बिल्कुल का बिल्कुल नहीं हालांकि वो नबी करीमलाम के बड़े नवासे और तारीखी तार पर भी देखें अगर हम तो हसन रबील की बहुत बड़ी कुर्बानी है वो ये कि जब आ, और हमारे यहाँ जो तो, जिसकी बहुत सी किताबों में नबी सलाम की पेशगोई मिलती है नबी करीम सल ते में ये बेटा सैयद है सरदार है और इसकी वजह से अल्लाह तसलमानों के दो बड़े गिरोह के दरमियान दोबारा जो है वो सुलह सफाई और इतिहाद अल्लाह ताएंगे तो तरीक़े एबार पर जब हजरत अजी रजील्ला के दौर में मुसलमानों के दो गिरोह बन गए हजरत मुआविया के यहाँ आदि मिल्लत तकसीम हो गई और रजील् रजी तै के यहाँ आधा जो है वो हो गया फिर उनके उनकी शहादत के बाद हजरत हसन रजील् तै उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में वो अपनी खिलाफत के हिस्से से दस्त हो गए और मुसलमान फिर दोबारा मुतहद हो गए और चलकर हजरत हसन रजील्ला तु की औलाद में भी बड़े बड़े अल्लाह वाले और बड़े बड़े मुजाहिद और उनके पोते थे अब्दुल्ला माहज और फिर उनके बेटे थे मोहम्मद जकिया वो भी उनकी बड़ी शोरत थी मदीना मुनवरा में और और वो बड़े इमाम थे उस अपने वक़्त के और फिर आगे चल कर यानी अल्लाह में जो एक बहुत ऊंचा नाम है वो शेख अब्दुल्दर जी रहत का है वो अपने वालिद साहब की तरफ से हसनी है अपनी वालदा की तरफ से हुसैनी है लेकिन शीयों के यहाँ इसनाशरी हों या इसमाइली हों या बोरी हों जो भी हों इनके यहाँ सिर्फ हजरत हुसैन रजा तु की नस्ल में आगे इमामत चली है हालांकि तारीखी एतबार पर अगर वो नहीं वो जो कहते हैं ना कि वो नस्ल दर नसल नूर नूर चला आ रहा है तो जो बाप से जो आमतौर पर जो चीज़ विरसे में मुंतकिल होती है या जो चीज़ होती है वो आमतौर पर बड़े साहबजादे को वो चीज़ नसीब होती है लेकिन शियों के यहाँ बिल्कुल इस चीज़ को नजरअंदाज किया गया हज़रत हसन रजील तु को बिल्कुल उनकी तारीख में नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उनकी औलाद को और उनकी नस्ल को हमारे हमारे यहाँ एल सुनत वाल जमात के यहाँ ये बात तकरीबन मुसलम है कि जो इमाम मैदी होंगे ना शियों के हाँ तो ये है, है इस के के, के इमाम मामदी पैदा हो चुके हैं और वो हज़रत हुसैन रजिय तन की औलाद में थे हमारे यहाँ दाऊद शरीफ की रिवायत है हज़रत अली रजियन ने अपने बड़े साहबजादे हज़रत हसन रजिय तुन को मुखातब करके अरसाद फरमाया था इन अपनी हाथ सैयद कमा समा हो नबी या मेरा ये बेटा सही में सिरदार है जिस तरह तुम्हारे नबी ने इनको सिरदार कहा है और फिर इनकी औलाद में आगे एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दुनिया को अदर इंसाफ से भर देगा तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ ये है कि माँ महदी जो पैदा होंगे जो तशरीफ लाएंगे वो हजरत हसन रजी अल्लाह तु की औलाद में होंगे और उसकी एक वजह यह लिखी है कि हज़रत हसन रजी अल्लाह तुम जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपनी खिलाफत को जो है अपनी खिलाफत से उम्मत मुसलम के इतिहाद के लिए दस्तबरदार हो गए थे तो उसकी बरकत से और उस समरे में अल्लाह अल्ला उनकी नस्ल से हजरत महद रिजवान को पैदा फरमाएंगे और वो दुनिया में गोया हज़रत हसन रजी रजील्ला तु की औलाद में और उनके अलम बरदार होंगे और गोया वो समझें कि वो वो नूर जो था वो उन वो नसल दर नए उन तक आज आगे पहुंचेगा और फिर उसका जो है अल्लाह तरिए फैलाएंगे तो शेरा जो है ये हसन रजी अल्लाह तु को अगर ये कहते हैं कि नस्ल दर नसल, तो हसन रजी अल्लाह तु को क्या क्या कसूर है कि वो बिल्कुल ये शी हजरा उनको नजरअंदाज करते हैं बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन सलीम भाई आपने कहा है कि टॉपिक अभी फिलहाल चेंज मत करें तो शायद सलीम भाई आपने कोई इस टॉपिक के हवाले से सवाल करने तो प्लीज मिला दीजिए अस्सलाम वालेकुम मैं ये बोल रहा था मौना साहब कुमार कासिम साहब कि अगर कोई दावा करता है हिदायत के माने में नूर का तो उसको उस उस बंदे के उस दावे पे दावे को मानने के लिए कैसे माना जाए मतलब उसकी कोई शराब है मतलब वो किस तरीके से ये साबित होगा कि हाँ चलो इसमें हिदायत भी है उसकी भी तो शराब होगी ना उसका तकवा उसका परहेजगारी उसका अमल उसकी लाइव, उसकी लाइफ उसके कैरेक्टर ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना बिल्कुल बिल्कुल यही इसी से नहीं बिलफरश हम तो डायरेक्टली कुरानी मजीद के आयतों से उनसे ये साबित करने की कोशिश करें ना ये दलाइल बाद में आएंगे आपने अच्छी बात कही है कि इनसे भी तो पता चलता है कि ये शख्स ऐसा है कि काबिल इक्तदा है क्या ये हिदायत का नूर है क्या ये इससे ये लोगों को हिदायत देता है क्या इससे मखलूक को कितना फायदा पहुंचा है ये किस तरह हिदायत के नूर हो सकते हैं यह अच्छी बात आपने उठाई बहरहाल नूर हिदायत हर इंसान के दिल के अंदर होता है इस पर भी चंद एक आयतें मैंने पढ़ी थी या दिल्ला नूरी ही ये जो, दिल के वाली जो हिदायत है इसके अल्लाह ने फरमाया है लकत मुबीना जन्ना सुल नूर इधर से भी नूर हिदायत मुराद है अच्छा ये जहाँ मैंने अल्फाज के ये मैंने तर्जुमा नहीं किया है ये जो है ना मुफसरीन अहादीस अहलाम हजरत इबन अब्बास रजी तन हजरत अली रजील्ल्ल उनके तराजिम से उनकी तशरीहात से कराम ने जमा किया है अहिल तो। के तरह मेरी कोशिश यही होती है ज्यादा से ज्यादा मैं वो अकवाल कोट करूं अदीस में भी इस तर्ज़मे में भी जो अहिल की तरफ से हुए, हुए। मेरी ये ज्यादा कोशिश होती है आखिर में आखिर में इस मौजूद के मुत किसी इसमायली भाई ने उठाई थी के हम इसकी तिबाह इसलिए करते हैं कि नूर के साथ ये इंसान कामिल भी है इंसान कामिल है तो इंसान कामिल कौन हो सकता है कुरान में इसको अगर देखा जाए तो कुरान में हमें बताते हैं कि इन लदीन आमन वालिहतीबरिया बेहतरीन मखलूक बेहतरीन مخلوقات में जो आला दर्जे का है जिसको हम कामिल इंसान कह सकते हैं वो वो है कि ईमान लाए उसके आमाल सारे के सारे दुरुस्त हो आमाल करने वाले एक, एक आयत है नजदीक मज्ज़ तरीन मुकम्मल मुकम्मल तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कामिल हो बहरहाल तरीन शख्स वो है कि जो तुम में से सबसे परहेजगार हो बुरे आमाल से गलत किरदार से करैक्टर उसका दुरुस्त हो किरदार अच्छा हो मुत्तकी हो परहेजगार हो अल्लाह से डरने वाला हो गुनाहों से बचने वाला हो पूरे आयत में आता है कि इनमा यخشى الله من عباده उलमा अल्लाह से को तो डरने वाले उलमा है जानने वाले अल्लाह ताला की जात को कुल हल यस्तवी الذين يعلمون والذين जानने वाले न जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते तो जानने वाले ही ज्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं वो आ, अगर इजाजत थोड़ी सी तो वो य, ये जो भाई फरमा रहे हैं ना हिदायत का नूर होता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत में ये मजमून बिल्कुल इसी तरह, आर्शाद है। जिस दे तरह सदर फरमा दें इस्लाम के लिए तो वो अपने रब की तरफ से एक नूर पर होता है तो साहबा इक्राम रही मजमिन ने नबी करीमलात वसलाम से पूछा कि यारसोल्ला नूर की कुछ अलात हैं तो अपने फमाय के तीन अलामात हैं पहली बात तो ये अत्यादारूर कि जब इंसान के दिल में हिदायत का नूर ईमान का नूर आ जाता है तो जिस तरह अंधेरे में कोई अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है सांप है या लाठी है या दोस्त है या दुश्मन है तो आदमी उसकी तमीज़ कर सकता है तो फिर जो नुकसानदेह चीज होती है फिर तो आदमी उससे बचने की कोशिश करता है तो इसी तरह जब हिदायत का नूर दिल में आ जाए और उतर जाए तो उसका पहला समरा असर ये होता है कि इंसान का दिल दुनिया की जेबो जीनत से और इसके धोखे के और इसके चक्र चक्रों से उठ जाता है तो अतजाफ गुरूर। दूसरी बात वल खुलूद। तो फिर जिस तरह रोशनी में आदमी अच्छी चीज़ की जस्तजू में लग जाता है तो फिर इंसान ईमान की नूर की बरकत से जो आखिरत जो असल घर है और जहाँ असल इंसान का वो मंजिल है फिर उसकी तरफ इंसान की रगबत बढ़ जाती है और तीसरी बात फरमाया वाली इस तैदादिल्मत कबल नज़ूल कि इंसान अपनी मौत की तैयारी में लग जाता है कि मरने से पहले वो अपनी अपने मरने की तैयारी और आखत की तैयारी मुकम्मल कर लेता है तो जब हम शुरू के आइमा की हजरात की सीरत और उनकी जिंदगी को देखें हजरत अजिल्ल तु का जो तो मशहूर है हाँ तो उनके बाद उनका एक एक मकूला है कि वो वो दुनिया को मुखातब करके फरमाया करते थे गुर्री गैरी तू जो है ना मुझे छोड़ और मेरे अलावा औरों को जाकर धोखा दे मैंने तुझे तीन तलाक दे दी हुई है मेरे करीब ना आ इसी तरह हजरत हजरत हसैन रजी अल्लाह उनकी जिंदगी में भी आप देखें और फिर इमाम जैनिदीन ने जो है जोशियों क्या मुसलम इसमाइलियों क्या हज़रत हुसैन के बाद तो फिर इमामत इन यहाँ तो हजरत हुसैन की नसल में आगे आई हज़रत हज़रत जैनलाबिदीन रहा ने उनकी सखावत उनका जोह तो मशहूर वरूफ है इसी तरह इमाम बाकी रमोत लमाम जाफिर सादिक और इन इन हज़रा का जहज और उनकी नेकीी उनका तकवा तो मुसलम है लेकिन आज कल के इनके जो जो इमाम हैं अगर इनकी जिंदगी को देखा जाए तो क्या उनकी जिन, इनकी ज़िंदगी में दुनिया से बेरगबती और आखरत की तरफ रुजू और मौत की तैयारी या ये इसबाक मिलते हैं अगर इनकी जिंदगी में इनके दिलों में हिदायत का नूर होता और ये नूर का मुजस्म होते तो फिर इनको देख कर तो दुनिया से बेरगबती अब भी अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनके बारे में अब हाल ही में हमारी तबलीगी जमात जो है हमारे यहाँ एक, एक नेक जमात है जो लोगों में दीन की दीन के अहिया की कोशिश करते हैं तबलीगी जमात के बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं हाल ही में कुछ अर्सा खबर उनका इंतकाल हुआ था मौलाना सईद अहमद खान साहब अरबों में उनकी बड़ी खिदमत थी बड़े अरसे तक वो सऊदी अरब में रहे उनकी खिदमत में एक दफा मुझे हाजिरी का क़शर्फ मिला तो मैं जब हाजिर हुआ तो एक बहुत आ, यानी मालदार आ, एक एक, 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 एक अरब रियासत के शहजादे उनकी खिदमत में आए हुए थे तो मैंने उनसे जब गुफ्तु की तो उ, उसने कहा कि शेख सईद अजीब आदमी है इनकी सोबत में आकर इंसान के दिल में दुनिया की जो दुनिया की नफ़रत पैदा हो जाती है और दुनिया का धोखा जो है इंसान पर खुल जाता है हालांकि उन्होंने कोई किसी इमामत का किसी बुजुर्गी का दावा नहीं किया हुआ था लेकिन ये सही अल्लाह वालों की सोबत की बरकत होती है कि उनकी सोबत में आकर दुनिया से बेरगबती अल्लाह की मोहब्बत आखरत का आखरत की फिक्र आखरत का शौक जन्नत का शौक जन्नम का खौफ और यह है हकूकुल्ल हकूक इबाद का जज्बा ये चीज़ें इंसान की जिंदगी में पैदा हो जाती हैं माशाला हमें एक भाई ने ज्वाइन किया है दीदार भाई आप प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में आए हैं आपका कुछ सवाल है नूर के हवाले से तो ब्रा करम हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं तो आपने कुछ पूछना है तो पूछिए फिर टॉपिक हम लोग अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यहाँ पे हमारे बाकी मेंबर्स भी मौजूद हैं अगर आपने कोई सवाल करना है नूर के हवाले से तो आपके पास अभी टाइम है इसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे जी दिलदार भाई हेलो अम्मिक जी भाई अपना तारुफ करवाइएगा जी मेरा नाम दिलदार अली है और मैं इस्माइली हूँ तो लेकिन अभी मैं प्रोसेस में हूँ मतलब के प्रोसेस। तो प्रोसेस मेरा में दोबारा जरा बताइएगा प्रोसेस किस चीज के प्रोसेस में करे वर्ट के प्रोसेस में अच्छा जी भाई बिस्मिल्लाह पूछिए सवाल तो मेरा कोई सवाल तो नहीं है बस ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे ये जो इस्माइलिज्म के जो सिस्टम है ना इनका सिस्टम में असल में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे उल्मा कराम है मुसलमानों के मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारे इसमाइली भाई बेचारे उनको जवाब वहां से मिलते नहीं वो बेचारे मरे मरे आते हैं जवाब मांगने के लिए कराम से वहां से थोड़ा उनको इस तरह का एटीट्यूड मिलता है ना कि भाई तुम लोग मुसलमान ही नहीं हो ये नहीं हो वो नहीं हो तो बेचारे इस वजह से भी थोड़े वो दूर दूर भाग जाते हैं <laughs> तो आपको जवाब नहीं मिले थे हाँ नहीं मुझे जवाब कहाँ से आपकी स्माइली जमात खाने से या अगर आपने मुसलमानों के कराम से बात नहीं, ही नहीं ना, ये जो रिलीजन है ना ये बिल्कुल है। आप इसको ना मुसलमान सकते हैं ना शिया कह सकते हैं तो, तो, अभी तक तो है? मैं? नहीं हूँ आपने प्रोसेस बोला तो मुझे लगा की अभी भी आप सोच ही रहे जी जी गुजारिश ये है कि जब आदमी ने किसी किसी चीज से मशवरा यानी किसी चीज़ के बारे में मशवरा करना होता है ना तो उस फील्ड के माहरीन से मशवरा किया जाता है अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप मौली साहब से मुफ्ती साहब से आकर फतवा नहीं लेंगे कि गाड़ी में कैसे ठीक करूं वो आप किसी प्राँग और अगर आपको किसी तिबी मशुरे की जरूरत है तो फिर भी जो है मौली साहब से मशुरा वो तो आपको फायदा मंद इतना ज्यादा रहेगा हाँ वो शायद आपको मशवरा दे देना डॉक्टर से आप रुझू कर लें तो असल मशवरा जो होगा वो डॉक्टर से ही होगा इसी तरह जो है तो वो हर फी, हर मौलाना हर आलिम जो है वो माशाल्लाह यानी हमारे यहाँ तो जो है वो जोर दिया जाता है कुरान और सुन्नत पर और सबा राम की जिंदगी पर और फा पर तो, तो ये चीजें हमारे मदारस में अलहदुल्लह पढ़ाई जाती है तो आगे फिर जो है ना होता है ना तहस मुझे तो लगता है माजरत के साथ मैंने बात कर रहा हूँ मुझे तो लगता है कि कुरान की कुछ वो हर फील्ड का माहिर नहीं होता वो अपनी फील्ड का वो होता है तो फिर आगे फिर अगर वो मरज किसी दूसरी डिपार्टमेंट का हो फील्ड का हो तो फिर उनकी तरफ उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता है तो इसी तरह दीन में मुख्तलिफ शोबे हैं दीनी उलूम में तो हर आदमी शीत का माहिर नहीं होता अलहमद यानी कुरान और सुन्नत के माहिर तो होते हैं लेकिन चूंकि वो इस ये एक स्पेशलिस्ट किस्म की फील्ड है तो अगर आदमी ने इस फील्ड में रहनुमाई लेनी हो और इस फील्ड के शकूक शुभ दूर करने हों तो फिर जाहिर है कि आदमी उनमात की तरफ रुजू करे जिनको इस फील्ड में और इस मैदान में कुछ दस्तरस है और उन्होंने इसमें कुछ मेहनत की हो तो इन उससे फिर ज्यादा फायदा होगा बज दफ़ा ये होता है कि आदमी अपनी मुकामी मस्जिद में वो चले जाते हैं मुकामी इमाम से जो उस फील्ड से मुनासबत नहीं रखते तो फिर जाहिर है कि उनको फिर उस फील्ड के जवाब नहीं मिलेंगे इसी तरह तो फिर बाजा फिर वो वो भी बेचारे फिर अपनी जान छुड़ाने में या क्या फिर उस तरह वो इस तरह मुतमन नहीं कर पाते तो ये अकली वा है कि अगर आदमी इस तरह की अगर आपके कोई दोस्त हैं इस्माइली जो इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं कि हम इस्माइलियत को छोड़ें तो फिर आपसे भी गुजारिश है कि उनको ऐसे उल्मार के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं उनका तारफ करवाएं और उनका जोड़ बिठाएं जो इस फील्ड मेंजरत में के साथ में काट ये असल में जो ये है ना ये माइंड ट्रेप है जो मतलब बचपन में एक बच्चा होता है ना उसके जहन में ये चीज वो हाथी के बच्चे में जंजीर डाल देते हैं ना बड़ा होकर नहीं निकाल सकता ये वो जंजीर है और ये जो सॉरी मैं आप लोग को इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे एक मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है प्रोग्राम को नूर के हवाले से मुझे एंड करने दीजिए उसके बाद फिर हम लोग अपने जनरल डिस्कशन पे आ जाएंगे आ, अगर अब नूर के सवाल खत्म हो गए हमारे जितने भी पैनल में लोग हैं तो एक ये, एक ये बड़ा पॉइंट डालते हैं अपनी इस्मेली कम्युनिटी में कि ये जो मौला है नूर है इसको नूर ये फिर एक आयत का भी देते हैं कि अल्लाह ताला ने भी नूर फरमाया वही नूर चला आ रहा है, आता है कहीं कबार वो आप तरजीह देते हैं कहीं पर थोड़ा कम देते हैं वो इतना माइनर इतना बड़ा नहीं है तो ये भी फिर यही देते है कि शियाओं की तरह रेफरेंस कितने चला आ रहा है चला आ रहा है ये जवाब इसमें मैं एक चीज ऐड करना अगर चला भी आ रहा है ना अगर चला भी आ रहा है तो भी आपकी अपनी ये जो जो हिस्ट्री है ना मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे वो बिल्कुल गायब है वहां से बिल्कुल कंटिन्यूटी है ही नहीं आपको कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी कोई भी आप हिस्ट्री की बुक उठा लो विकीपीडिया की उठा लो किसी और की उठा लो मैंने तो शिया की किताब भी शिया की हिस्ट्री भी पढ़ ली कहीं पर भी आपको इस प्रोग्राम की एंडिंग अच्छा प्रोग्राम एंड करने से दोबारा से गुजारिश कर लू जो लोग हमें देख रहे ये प्रोग्राम जैसे एंड होगा तो अगर आप दोबारा इसका पार्ट टू जो अभी हम दोबारा करने वाले हैं जिस साइट पर आप हैं फेसबुक पर हैं तो उसी पेज पे दोबारा देखिएगा एक नई स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब के उसी चैनल पर दोबारा देखिएगा तो इसका पार्ट वहां से स्टार्ट हो जाएगा आ, लीव नहीं कीजिएगा प्रोग्राम में रहिएगा मौलाना कासिम साहब नूर के हवाले से आखिरी के चंद कलम ताकि प्रोग्राम चेंज कर दो मैं नूर के हवाले से इतनी पूरे तकरीर में जो बातें हुई है उनका खुलासा बल्कि उनके जो हेडलाइंस है वो मैं अर्ज कर देता हूँ कि अल्लाह सुबहान ज़मीन आसमान के का नूर है का मतलब ये है कि अल्लाह सुबहान है अल्लाह तबारिक तबारक ज़मीन और आसमान में जितने भी उसके मखलूक है जो जो काम में लगाया है जो कर रहा है वो करना वो जो सलाहियत है उसमें उसके अंदर वो सलाहियत मुराद है नूर समावात समावती वर्ग से और अल्लाह और इससे नूर हिदायत मुराद है नूर अलग चीज है हलूल का अकीदा अलग चीज है नूर और हलूल एक ही चीज नहीं है इन पे हमने तफसी बात की अल्लाह तबारिक व तै हमें वो जो हकीकी हिदायत वाला नूर है वो हम सब को नसीब फरमाए और सही रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाए आमीन तो आमीन बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को यहाँ पे क्लिक करती हूँ हो जाएगा जो दोबारा इसका पार्ट टू सेकेंड पार्ट हमारा फ्री ओपन डिस्कशन है किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए जस्ट उसी प्लेटफॉर्म पे इसको एंड करते हैं अस्सलाम वालेकुम बाकी लोग यहीं पे रहिएगा